हाय गाइस, रोहन वर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने स्केटबोर्ड की वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पूरी पूरी जानकारी दूंगा, एक एक चीज़ डिटेल दूंगा कि जो मेरा स्केटबोर्ड है ये कितने का है और कैसे चलता है, कितनी एवरेज है इसकी और भी बहुत सारी इसकी जो खूबियाँ हैं वो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहना, पर अभी मैं उसका एक बी रोल बनाता हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली आप लोग को जो जो भी जानकारी चाहिए ना मेरे स्केटबोर्ड के बारे में वो मैं सारी कवर करूंगा इस वीडियो में। पहले तो आपको बता देता हूं कि ये स्केटबोर्ड जो कंपनी है उसका नाम है बैकफायर, और ये जो स्केटबोर्ड मैं यूज़ करता हूं ये है बैकफायर रेंजर X2 ऑल ट्रेन व्हील्स। ये जो बोर्ड है ना ये बना हुआ है कार्बन फाइबर और वुड से, तो मतलब बहुत ही स्ट्रांग है और जब इसको रखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबल है। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और जब खड्डे होते हैं ना तो उसमें काम आता है फ्लेक्सिबल बोर्ड। और आपको इसके टायर के बारे में बताता हूँ, ये जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर है और ये हनी कोम मटेरियल से बने हुए हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टायर है और बेयरिंग है इसके अंदर। ये हब मोटर से चलता है, इसके अंदर एक मोटर है, इसके अंदर एक मोटर है और यहाँ से कनेक्शन जा रहा है जो इसका जो अंदर जो मशीन है इसकी यहाँ पर है। ये है इसकी बैटरी, बैटरी से वायर जाती है, यहाँ मशीन में कनेक्ट होती है, मशीन से ये दो वायर जा रही हैं और ये वायर कनेक्ट हो रही हैं दोनों हब मोटर्स में, जो कि कंट्रोल करने में और चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मोस्टली जो बोर्ड्स रहते हैं ना वो बेल्ट ड्रिवन रहते हैं। बेल्ट ड्रिवन बोर्ड्स का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि उसका बेल्ट आप कभी भी चेंज कर सकते हो, और नुकसान ये है कि उसका बेल्ट बार बार चेंज करना पड़ता है और कभी भी आप घास वाली जगह पर चलाते हो, खड्डों पर चलाते हो, कभी धूल मिट्टी चला जाता है उसके अंदर और वो ख़राब जल्दी हो जाता है। ये ख़राब नहीं होता है जल्दी, बट हाँ जब भी आप इसके टायर वायर चेंज करने पड़ते हैं ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। और देख लो, इसके साथ मुझे ये लाइट मिली है, ये वाली लाइट इसके साथ मिली है और ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये उनका बैकफायर जो कंपनी है उनका ऐसा लोगो है, तो ये लोगो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये देख लीजिए बैकफायर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को मैं सीधा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बैकफायर लिखा हुआ है और चार्ज करने में लगते हैं 2 से 2.5 घंटे। एक बार आप बैटरी चार्ज करो तो आप 25 से 30 किलोमीटर जा सकते हो, जो कि है 16 से 18 माइल्स के करीब हो जाता है। तो मतलब एक बार बैटरी चार्ज करता हूँ ना मैं तो अच्छा खासा मैं घूम के आ सकता हूँ। और अब बात करते हैं कि ये चलता कैसे। ये है इसका रिमोट कंट्रोल, ये इसका OLED रिमोट कंट्रोल है और इसमें दो ऑप्शन है, एक है स्पोर्ट्स मोड और एक है इजी मोड। तो जब आप बिगिनर लेवल के राइडर हो तो आपको इजी मोड में चलाना पड़ेगा ताकि आप गिरो ना, एक्सीडेंट ना हो। हाँ, आपको एक बात और बता दूं, अगर आप फास्ट स्पीड में चलाते हो ना तो आपको पूरा, समझ रहे हो ना, पूरा प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप गिरते हो ना तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। ये शूट करते करते भी मैं एक दो बार ऐसा मतलब गिरा नहीं, अभी मुझे पता लग गया है कि जब स्केटबोर्ड फास्ट चलता है तो कैसे बैलेंस करना चाहिए और जब आप गिरते हो तो कैसे गिरना चाहिए वो भी आना चाहिए। तो इस ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल। और ये चलता कैसे, जब भी आप इसको आगे प्रेस करते हो तो आगे जाते हैं और जब इस पीछे प्रेस करते हो ना तो ये रुक जाता है। तो आप जितनी स्पीड में इसको प्रेस करोगे उतना फास्ट जाएगा, जितना फास्ट इसको पीछे करोगे उतना फास्ट इसका ब्रेक दबेगा। और ये जो रिमोट कंट्रोल है ये ब्लूटूथ से चलता है। ये बटन है ऑन एंड ऑफ का, ये है इसका मोड्स का, एक है स्पोर्ट्स मोड और एक है इजी मोड, ये है इसका टर्बो मोड। जब आप ये टर्बो मोड दबाते हो ना तो इसकी स्पीड 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। जब आप ये टर्बो मोड में होता है ना तो बहुत फास्ट जाता है। और ये रिमोट कंट्रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों पता है, इसकी ग्रिप ऐसा है, ऐसे पकड़ा आपने और आगे किया तो आगे जाएगा, पीछे किया तो पीछे जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसको ऑन कैसे करते हैं। पहले ये जो बटन है ना आपको ये दबाना होता है, एक लॉन्ग प्रेस किया तो आपका रिमोट का डिस्प्ले ऑन हो गया और उसके बाद आपको इसका ये जो बटन है ये दबाया और हल्की सी वाइब्रेशन होती है रिमोट कंट्रोल में तो आपको पता लग जाएगा कि बोर्ड ऑन हो गया है। ये बोर्ड ऑन हो गया, अभी आपको मैं चला के दिखाता हूँ। इसको आगे करेंगे तो ये आगे जाएगा और इसको पीछे करेंगे
तो आएगा। अभी इसका एक बटन है जो पीछे जाने वाला, इसको पीछे दबाया और इसको आगे की तरफ दिया ना तो ये पीछे आ जाता है ना। कमाल की चीज़ यार, मुझे तो बहुत पसंद आई। जब से मैंने ये बोर्ड लिया ना, मैंने पूरा मेरा ये एरिया छान मारा है। मोस्टली ये सारे बोर्ड्स हैं ना न्यूयॉर्क सिटी में, वॉशिंगटन डीसी में, उनको आजू बाजू में किधर 2-3 माइल दूर काम पे जाना है, ना पार्किंग के पैसे देने, ना ही वो लोग लेट होंगे, तो मतलब और चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो अभी घर पर जाते हैं और घर पर जाके बताता हूँ कि इसका प्राइस कितना है और भी इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। हाय गाइस, मेरा नाम रोहन विद्या, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ और ऐसे व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाते रहता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग चाहते हो मेरा चैनल ग्रो हो तो प्लीज़ आपको कमेंट करना ही पड़ेगा और लाइक और शेयर भी कर देना अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को तो पता ही, हमेशा वो लोग कमेंट करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में आके मुझसे बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आपको बता देता हूँ कि ये चार्ज कैसे होता है। ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, इसको निकाला, यहाँ प्लग किया और इसका अडाप्टर है ये, और मैंने अंदर कनेक्ट किया हुआ, और इसको मैं यहाँ हमेशा टांग देता हूँ, ऐसे लगा देता हूँ ताकि गिरे ना, किसी को चोट ना लगे। और इसका रिमोट कंट्रोल, इसको बंद किया, इसको बंद करके यहाँ लगाता हूँ, और इसका ये रिमोट कंट्रोल का चार्जर है, ये भी चार्ज हो रहा है और ये भी चार्ज हो रहा है, और करीब करीब 2 से 2.5 घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाता है। थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, 5 मिनट बाद वापस आपको मैं स्टूडियो में मिलता हूँ। फ्रेश हो गया एकदम, मज़ा आ गया। तो वापस से मैं आपको इस बैकवायर रेंजर X2 के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो इसकी रेंज है 24 से 30 किलोमीटर जो कि है 15 से 18 माइल्स, और इसकी हाई स्पीड है 35 किलोमीटर यानी कि 22 माइल्स पर आवर, और इसमें जो मोटर्स है वो 1200 वॉट्स के 2 मोटर्स हैं और ये हब मोटर्स हैं, और इसका जो डेक है ये फ्लेक्सिबल डेक है, और इसकी जो व्हील साइज है वो है 165 mm यानी कि 6.5 इंचेस, और ये एयरलेस रबर टायर्स है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि इसकी प्राइस क्या है। यहाँ पर अमेरिका में ये $1200 में आ जाता है, अगर आप इंडियन मनी में कन्वर्ट करोगे तो 85,000 या 86 या 87,000 हो जाता है, डिपेंड्स ऑन करेंसी रेट। सॉरी, अभी मैंने चेक किया तो पता लगा है कि रेट है $1300, शायद कंपनी वालों ने रेट बढ़ा दिया, ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तो फाइनली मैंने आज ये वीडियो बना दी। प्लीज़ ढेरों सारे कमेंट करना और बताना कैसी लगी, बहुत सारे कमेंट्स आने चाहिए मुझे। रात को अपलोड करूंगा, सोऊंगा और सुबह उठने के बाद ना इतने सारे कमेंट्स आएंगे कि मैं थक जाना चाहिए उसको लव करते करते। और मैं इस स्केटबोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो जाकर। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के स्केटबोर्ड होते हैं, मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। इनफैक्ट जो मेरा दोस्त है यहाँ फ्रेडरिक में रहता है, उसके पास भी एक स्केटबोर्ड है जो मैंने पहले लिया हुआ था, वो मैंने बेच दिया, तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। सो दैट्स अबाउट इट। वापस से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करके आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना, तो जब भी मैं लाइव आता हूं या कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप लोग वीडियो देख लोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ। बाय बाय।